सुबह उठते ही सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए? सुबह उठते ही सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथ देखना चाहिए। लाइक दिस वन। जी, आप दोनों हाथ को, हथेलियों को अपनी ओर करके, ये ऐसा करके ऐसे बैठिए और दोनों को ऐसे मिला लीजिए और इस तरह से अपने हाथ को देखिए। ऐसा हम अपने जो लिटरेचर है, जो कल्चर है, उसमें पढ़ते हैं कि सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ देखने चाहिए। रीजन क्या है, क्या साइंटिफिक बैकग्राउंड है, ये तो नहीं पता, लेकिन एक श्लोक है जो इस संबंध में अपनी इम्पोर्टेंस को डिफाइन करता है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मूलम गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। जिसका मतलब है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, दैट मीन्स फिंगर टिप्स टॉप, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती, हाथ का जो मध्य भाग है ये यहाँ पे सरस्वती है, और कर मूलम तू गोविंदम, और कर के मूल में जो है वो गोविंद है, भगवान है। तो प्रभाते कर दर्शनम, तो सुबह के टाइम आपको हाथ का दर्शन करना चाहिए। हम लोग जो इंडियन कल्चर के अंदर कोई भी जो अपने पूजनीय हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं, और एज ए रिजल्ट व्हेन वी टच द फीट ऑफ आवर रेस्पेक्टिव पर्संस, देन व्हाट दे डू, दे जस्ट कीप देयर हैंड ऑन द हेड ऑफ द पर्सन। सो आई थिंक दैट पाम इज दी वेरी मच पाम इज वेरी मच वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। फ्रॉम वेयर आई थिंक दैट सम काइंड ऑफ रेडिएशन एमिट्स इट माई इट कैन बी ए रिसीवर और ए ट्रांसमीटर बोथ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट वैन वी टच द फीट द एल्डर पर्सन और रेस्पेक्टिव पर्सन कीप देयर हैंड कीप देयर पाम ऑन द हेड, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, दे गिव देयर ब्लेसिंग थ्रू द हैंड लाइक दिस वन, एंड अवर ऋषि मुनि ऑल्सो गिव द ब्लेसिंग बाय दिस वन। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज वेन वी डू मेडिटेशन और सच काइंड ऑफ एक्टिविटी और योगा, सो दैट टाइम वी कीप अवर पाम ओपन टूवर्ड्स द स्काई। नो वन डू लाइक दैट एंड इट इज नॉट अलाउड इन टू द मेडिटेशन एंड योगा केस। Never they allow that you keep your palm like this one. They always say that you keep it open, upper one, upper face like this one. So this might be a reason that there is something related with the hands. So there are so many things basically, but these are
two, three are very important. When we join the hand with the second person, that also how basically you join the hand with the second person when you meet first time or frequently. So there might be, or there is some kind of radiation basically which emits from the palm, or it basically receives the radiation. So when we see our hand early in the morning, so it might be that the radiation which emits from the hand early in the morning, when our body is very quiet and in a peaceful way, then that time that radiation helps us to concentrate our mind for the complete day, for the whole day, the coming day, the whole day basically, which we start now. And because of that, we focus on our work. हम जो अपना काम है उस पर पूरा फोकस रख सकते हैं. सो इट इज अ वेरी गुड थिंग. साइंटिफिकली आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई पर्सनली फील दिस इज माई पॉइंट दैट वन हैव टू सी देयर पॉइंट्स, देयर हैंड इन द मॉर्निंग वेन एवर वी अवेक early in the morning or at any time. First of all, the first activity of our day should be to see the hands, the palm, and we have to spend some minutes to see the palms. And if you can see any hidden energy or the idea within the palm, you will be lucky. So you have to see daily your palm like this one. Join your finger and this, the line, heart line, and from there you see your hand like this one early in the morning and see it carefully. 3 to 5 minutes. I'm sure this technique will boost your energy and will help you to meditate in number of things or to focus on your work. So see your hands first of all when you start your work. Thanks for watching this video. If you find any point is need to be corrected, please write a message, read many times about it and do regularly and observe that one can focus on their work. So Kragre Vaste Lakshmi, Karmadhye Saraswati, Karmulam Tu Govindam, Parbhate Kardasanam. Or हम लोगों के यहाँ पे तो एक बड़ी अच्छी ये बात बोली जाती है कि ये जो धन या दौलत है ये हमारे नखूनों की कमाई है. बड़े लोग बोलते हैं सर कि ये सब कुछ नखूनों की कमाई है, और नाखून जो नेल्स हैं बेसिकली वो हाथ का टिप का, ये हाथ की जो फिंगर टिप्स हैं इसका पार्ट है. तो जो लक्ष्मी है, जो धन दौलत है, उसका जो इंडिकेशन है वो आपके नाखून भी है. तो ये तो बात थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगी विद द टॉपिक, बिकॉज इन द पामिस्ट्री दे जस्ट डिफाइन द शेप ऑफ द नेल एंड बाय दैट दे कैन डिफाइन नंबर ऑफ थिंग्स.
So the important thing is that you have to see your palm early in the morning when you awake. जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको अपना हाथ देखना चाहिए और हाथ को फोकस करना चाहिए 3 से 5 मिनट के लिए. तो इट विल बेसिकली बूस्ट योर एनर्जी और आप दिन का जो शुरुआत करेंगे, काम की जो शुरुआत करेंगे, उसमें आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स के लिए और बाकी सभी लोग जो भी हैं, सबसे पहले जैसे ही आप उठते हैं सबसे पहले कार्य आपको क्या करना है, केवल हाथ देखने हैं 3 से 5 मिनट के लिए. और अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं याद रख सकते तो ये ध्यान रखना है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कि कराग्रे कर के अग्र भाग में जो है लक्ष्मी वस्ती है, आपके सरस्वती है, कर के मध्य में और हाथ के मध्य में जो है, और कर मूलम तो गोविंदम, और ये जो मूल है इस मूल में यहाँ पे ये आपका भगवान है, गोविंदम है, श्री कृष्ण है, भगवान है. तो ये पूरा हाथ आप सुबह ही जब सबसे पहले देखते हैं तो प्रभु के दर्शन कर लेते हैं. तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को मॉर्निंग के टाइम अपने हाथ दोनों मिलाकर देखने चाहिए. इट विल हेल्प यू. थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.